हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे डी एस एजुकेशन अकेडमी। सो एक बिग अपडेट आ रही है फ्रेंड्स बीपीएससी की तरफ से। सो जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है और टीचर भर्ती के लिए अब नियुक्ति पत्र बांटे जाने की तैयारी चल रही है। और इसी बीच बीएड धारकों ने दोबारा से अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करा दिया गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और जिसका फैसला 3 तारीख को आने वाला है। सो हो सकता है इस बार बीएड वालों को भी एलिजिबल होने के चांसेस होंगे। तो चलिए देखते हैं पूरा क्या मामला है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत ही जल्द आपको बीपीएससी टीचर की न्यू रिक्वायरमेंट भी आने वाली है 2.0। सो जैसे उसकी नोटिफिकेशन आएगी ऑफिशियली, आपको मैं उसकी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप आराम से फॉर्म फिल कर सकें। और फॉर्म भी आपके 3 तारीख से स्टार्ट होने वाले, 3 नवंबर 2023 से। सो देखते हैं आगे। बीपीएससी ने से नियुक्ति शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए सरकार ने बनाई गाइडलाइन, जान लीजिए शर्तें क्या क्या हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा बीएड अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर होगी सुनवाई। तो जानकारी के अनुसार इस याचिका में बीते 20 अक्टूबर को ही चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई होनी थी, लेकिन छुट्टियों के कारण 30 अक्टूबर को सुनवाई की गई और इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। बिहार के लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति भर्ती परिणाम जारी होने और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की काउंसलिंग के बाद अब नियुक्ति पत्र को लेकर तैयारी चल रही है। इस बीच बिहार सरकार ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के 2 नवंबर को बड़े आयोजन की तैयारी करी है। यानी 2 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा जिन्होंने भी एग्ज़ाम पास किया है और मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। वहीं इस बीच एक जानकारी दिल्ली से है, जहां बिहार के बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने शिक्षक भर्ती रिजल्ट पर रोक लगाने की रिट याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और आगामी 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। सरकार के नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा नहीं था कि उन लोगों को प्रारंभिक में मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने बीच में नियमों में बदलाव कर दिया, जिसको लेकर शिक्षक संघ और अन्य सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और इसके बारे में याचिका दाखिल की है। तो आपको पता है फ्रेंड, पहले नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं, बट बीच में इन्होंने बदलाव किया जिसकी वजह से बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं। सो हो सकता है इस बार फैसला आपके पक्ष में आए। सो जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग में लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित 1,20,336 विद्यालय शिक्षक को 2 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले शिक्षकों को बिहार सरकार की बनाई विशेष गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। बिहार सरकार ने पटना की गांधी मैदान में होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार कार्यक्रम के दौरान मोबाइल अथवा किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से फ़ोटो लेने या वीडियो बनाने की मनाही है। हालांकि सरकार ने सभी शिक्षक को यह आश्वासन दिया है कि कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम की फ़ोटो और वीडियो जिलों के अलग अलग उपलब्ध करा दिया जाएगा। सो यही अपडेट था जो मुझे आप लोग को पहुँचानी थी फ्रेंड। तो हो सकता है 3 नवंबर को जो फैसला आने वाला हो बीएड धारकों के पक्ष में हो, और उम्मीद है कि बीएड वालों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। सो एक उम्मीद है फ्रेंड। तो देखते हैं कल का क्या फैसला आता है और क्या कल नियुक्ति पत्र पूरी तरीके से बांटे जाएंगे या फिर इस नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दिया जाएगा। सो बने रहिए हमारे साथ मल्टीपल अपडेट के लिए।